लोगों के हाथ में गन नहीं होगी तो वो एक दूसरे को चाकू से मारेंगे, चाकू नहीं रहेगा तो डंडे से मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। तो जब मारना ही है तो गन से मारे, इसलिए गन बेचता हूं, मस्त रहता हूं। तो दोस्तों, जिस मूवी के पार्ट 3 के लिए हम सभी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वह मूवी अब हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जन्नत 3 की शूटिंग जल्दी शुरू हो सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्नत पार्ट 1 मूवी 2008 में रिलीज की गई थी और उस समय यह मूवी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और जो मूवी के सॉन्ग थे वे आज भी सभी के दिलों पर छाए हुए हैं। और दोस्तों, जन्नत मूवी का पार्ट 2 जो 2012 में रिलीज किया गया था वह दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया था और अब 11 साल बाद जन्नत मूवी का पार्ट 3 हमें देखने को मिल सकता है, यानी हमें फिर से अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं एक्साइटेड इस मूवी को देखने के लिए मेरी तरह, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वहीं बात करें मूवी की कास्टिंग की, तो हमें मेन रोल में इमरान हाशमी देखने को मिलेंगे, वहीं फीमेल रोल में हमें बॉलीवुड की कोई नई यंग एक्ट्रेस देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस मूवी में आपको वही डायरेक्टर देखने को मिलेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में थे, यानी जन्नत 3 कुणाल देशमुख के डायरेक्शन में बनाई जाएगी और कुणाल देशमुख 2021 में सिद्धत जैसी काफी शानदार मूवी बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सिर्फ जन्नत 3 मूवी को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन हमें ज्यादा वेट नहीं करना होगा क्योंकि अभी 2023 की शुरुआत हुई है, क्या पता 2023 के एंड तक मूवी से रिलेटेड बड़ी अपडेट आ जाए। लेकिन दोस्तों, जब भी यह मूवी आएगी तो अपने सॉन्ग और इमरान हाशमी सर की एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बना देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है मूवी में हमें कौन सी नई एक्ट्रेस देखने को मिल सकती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपको मूवी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन हल्के से क्लिक कर देना ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी अपडेट आसानी से मिल सके। और यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।